हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है शुभम ट्यूटोरियल्स में। ये खीर देख रहे हैं आप, ये मखाने का खीर है जो हम डेली भी खा सकते हैं और व्रत में भी खाते हैं इससे ज़्यादातर। ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमने ये रेसिपी कैसे बनाई है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मखाने का खीर बनाने के लिए दूध लिया है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। फिर मैंने लिया यहाँ पर ये शक्कर, आप अपने मिठास के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये बादाम को कद्दूकस किया है, और फिर मैंने लिया ये काजू भी मैंने लिया है। फिर आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये इलायची पाउडर लिया है, इसे शक्कर के साथ थोड़ा सा पीस दिया था। और फिर मैंने यहाँ पर ये मखाना लिया है, और फिर मैंने लिया है यहाँ पर किशमिश। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई लिया है, इसमें मैंने ये 1 चम्मच घी डाल दिया है, और इसी में मैं मखाने को अच्छी तरीके से भूज लूँगी। जब तक ये थोड़ा बहुत ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसे अच्छी तरीके से भूज लेंगे। तो देखिए, अब हमने इसे भूज लिया है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। अभी मैंने यहाँ पर दूध रखा है, अभी मैं इसे अच्छी तरीके से पका लूँगी और गर्म होने दूँगी। तो देखिए, अभी मैंने ये मखाने को अच्छी तरीके से भूज लिया था, तो अभी मैं इसे ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दूँगी। तो अच्छी तरीके से ये भूजने के बाद अच्छी तरीके से टूट जाता है। अभी मैं ऐसे ही सारे के सारे मखाने तोड़ लूँगी। तो देखिए, अभी मेरा दूध गर्म हो चुका है, ये उबाल भी मार रहा है अभी। इसको 10 से 15 मिनट हो चुका है पकाया है हमने इसे बारीक आँच पर अच्छी तरीके से। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये पक चुका है। अब मैं इसमें शक्कर डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने लगभग 2 से 3 कटोरी लिया है, आप अपने मिठास के अनुसार ले सकते हैं। अभी मैं इसे शक्कर में डाल दिया, अभी मैं इसे मिला लूँगी। तो देखिए, अभी मेरा ये शक्कर घुल चुका है। 1 उबाल आने तक मैंने इसे पकाया था। अभी मैंने जो ये मखाना को तोड़ा था थोड़े छोटे छोटे पीसेस में, उसे मैं डाल दूँगी और अच्छी तरीके से मिला लूँगी। अब मैं इसमें काजू बादाम जो मैंने काटे थे अच्छी तरीके से, और किशमिश, वो मैं डाल दूँगी। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और अच्छी तरीके से अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। अभी मैं इसमें ये इलायची पाउडर डाल दूँगी, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी मैं इसे बारीक आँच पर अच्छी तरीके से पकने दूँगी। तो देखिए, अभी मेरा एकदम रबड़ी जैसा मखाने का खीर बन करके तैयार हो चुका है। इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से 1-2 उबाल आने तक पकाया था बारीक आँच पर। इसे हम जितने अच्छे से पकाएंगे उतना ही अच्छा लगेगा खाने में। अभी मैं इसे 1 बाउल में निकाल लूँगी। तो देखिए, अभी हमारा मखाने का खीर बन करके तैयार हो चुका है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और कितना यम्मी लग रहा है। ये हमने जो मखाना इसमें तोड़ तोड़ करके डाला था, वो बनाने के बाद पकाने के बाद उसमें ये मेल्ट हो चुका है अच्छी तरीके से। ये खाने में बिल्कुल रबड़ी जैसा लगेगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।